Your study YouTube channel, subscribe new. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक स्टडी पैलेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रीतम सर के टेक स्टडी पैलेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक दिन लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने की वजह से सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं। जो ऑनलाइन वर्क मोबाइल पर, पीसी पर, लैपटॉप पर चल रहा है, तो विशेषकर जो वर्कर हैं कंप्यूटर के उपयोगकर्ता, वो माउस से वर्क करते हैं। लंबे समय माउस का लेफ़्ट क्लिक यूज़ करने की वजह से हमारा जो लेफ़्ट क्लिक है माउस का, लेफ़्ट साइड, वो काम करना बंद कर जाती है या कभी कभी काम करती है। ऐसी कंडीशन में हम आपको एक अच्छी ट्रिक बताएंगे काम करने की, जिससे क्या है कि आपका लमसम काम चल सकता है घर बैठे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोट्स में ऑन कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं लंबे समय माउस का यूज़ करने से लेफ़्ट साइड जो ख़राब हो जाती है, तो अपने उसे उसका अल्टरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज इसके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा विचार नहीं था, लेकिन क्या है, कुछ मेरे पास क्या है, मेल आई, उनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो आज हम बात करने वाले हैं माउस की लेफ्ट क्लिक हो जाती है तो अपने वो काम कैसे करते हैं लेफ्ट क्लिक का। तो इसका अल्टरनेट ये है कि जो लेफ्ट क्लिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और राइट क्लिक बहुत कम यूज होती है, राइट साइड है बहुत कम यूज होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो लेफ़्ट साइड से जो वर्क होता है, अगर हमारा राइट साइड से वर्क होने लग जाए तो हमारा काफ़ी हद तक काम हो जाता है। तो इसी के बारे में बताएंगे ये कैसे होता है। तो इसके लिए हमारा जो माउस का जो लेफ़्ट साइड है वो ख़राब हो चुका है, तो आवश्यक है हम काम नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ देते हैं हम माउस को, लेफ़्ट साइड काम नहीं कर रही। तो इसके लिए कीबोर्ड में विंडो बटन दबाएंगे। दबाने के बाद में कीबोर्ड की जो है एरो की है ऊपर तरफ जाएंगे और आप कंट्रोल पैनल में आप एंटर दबा देंगे। कंट्रोल पैनल सेलेक्ट करने के बाद में एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद में हम यहाँ पे ढूंढेंगे माउस कहाँ है कंट्रोल पैनल के अंदर, तो एरो की यूज करेंगे। माउस ईरा जो लास्ट साइड में पांच नंबर जो है माउस का है, अब इसे सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेस के जो कीबोर्ड के अंदर स्पेस है बटन है उसे सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये एक डायलॉग खुल जाए कीबोर्ड की प्रॉपर्टी। अब देखो सबसे पहले जो पहला नंबर दे रखा स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, अब हमारा क्या है लेफ्ट साइड काम कर रही थी ज़्यादातर, जो काम लेफ्ट साइड से हो रहा था मैनली। जब हम क्या है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन पे अपने चेक मार्क कर देंगे, जो लेफ्ट साइड का जो काम है वो अपने राइट साइड से होने लग जाएगा। तो चेक मार करने के लिए अभी क्या है हमारा जो सेलेक्ट जो है वो हमारा स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन है, अब इसे क्या चेक मार कर देंगे। चेक मार करने के लिए माउस तो काम कर नहीं कर रहा, अगर माउस काम करता होता तो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबा देते। अब माउस नहीं काम कर रहा लेफ्ट क्लिक के लिए, तो हम कीबोर्ड से ही अपने स्पेस बटन दबाएंगे। ये स्पेस बटन दबाने से चेक मार्क लग चुका है, लगने के बाद में हमारा जो काम लेफ्ट साइड से हो रहा था अब राइट साइड से होने लग जाएगा। तो इसे हम कर देंगे अप्लाई, अभी जो काम है सारा राइट साइड से होता है, ओके करना है तो भी राइट साइड से होगा। अगर इसे
कंट्रोल पैनल को अगर क्लोज करना है तो भी राइट साइड से होगा, जो काम लेफ्ट साइड से हो रहा था वो काम राइट साइड से होगा। तो हम लमसम अपना काम कर सकते हैं एमरजेंसी टाइम में, जो भी काम लेफ्ट साइड से हो रहा था वो हमारा जो काम राइट साइड से हो रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और भाई बंधुओं में शेयर करें, जिससे क्या इस वीडियो का लाभ वो भी ले सकें, जिससे क्या अगर कोई भाई बंधु लेफ्ट जो साइड है माउस की, अगर उस किसी एक भाई की ख़राब हो गई हो तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपना काम इजीली कर सके। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारी वीडियो आप पहले देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए नोट्स को ऑन कर लें। धन्यवाद। Your study YouTube channel, subscribe new.